अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू की टिक्कियाँ। मैं कैसे घर में आलू की टिक्कियाँ बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको करना है एक काम। आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लेना है और उसकी बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी रेसिपी मैं नहीं बनाऊँ वह उसकी नोटिफिकेशन आप तक ईजिली आ जाए। चलें जी, इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। ये मैंने ले लिए हैं चार आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया और इस फॉर्म में काट लिया है। ये मैंने ले लिया है लाल मिर्च आधा टेबल स्पून, ये मैंने ले लिया है नमक एक टेबल स्पून, ये मैंने ले लिया है अनारदाना 1 टेबल स्पून और इसको मैंने पीस लिया है। ये मैंने ले लिया है अमचूर पाउडर, ये अमचूर पाउडर आपको किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाएगा। ये मैंने ले लिया दार मिर्च और इसको ये है 1/2 टेबल स्पून, ये है 1/4 टीस्पून हल्दी, ये मैंने ले लिया है धनिया, साबुत धनिया को मैंने सेक लिया और मैंने इसको पीस लिया, ये है 1 टेबल स्पून, ये मैंने जीरा ले लिया है इसके भी मैंने सेक के और मैंने पीस लिया, ये भी 1 टेबल स्पून है, और ये मैंने 5 अदद ले लिए हैं सब्ज मिर्च और इनको मैंने भी पीस लिया है। ये मैंने धनिया ले लिया है और ये मैंने ले लिया है प्याज 2 अदद और ये है एक अंडा, ये मैं इसे फ्राई करूँगी। तो चलते हैं और रेसिपी करते हैं अपनी स्टार्ट। जी पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रेसिपी करते हैं अपनी स्टार्ट। ये जो मैंने आलू लिए हैं बॉयल, इनको मैंने डाल लेना है एक बाउल में। ठीक है जी, इनको कर लेना है मैंने मैश। मैशर अगर आपके पास है तो आप मैशर से करें, मैशर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। जी तो देखें आलू को कर लिया मैश, अब मैं जितने भी मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ठीक है जी, ये मैंने मिर्च ऐड कर दी है, सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो एक एक करके हमने कर देने हैं ऐड। ठीक है जी, साथ ही मैंने ऐड कर देना है इसमें प्याज चॉप हुआ हुआ। और धनिया के लिए तो मैं रुक जाऊंगी, पहले मैंने इन सबको मिक्स करना है क्योंकि धनिया भी टूट जाएगा बीच में। कलर देखें इसका कितना प्यारा आ गया। अब मैंने इसमें ऐड करना है ये जो धनिया है हमारा, ये अब मैंने कर लेना है इसको मिक्स मिक्स। जी तो देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब मुझे इसके टिक्कियाँ बनानी है, इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं। किसी को बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी बनाना चाहें बड़ी बना लें, नॉर्मल साइज की रखना चाहें नॉर्मल रखते हैं, ऐसे ही आपने टिक्कियाँ बना लेनी है। ठीक है जी, इसी तरह मैं बाकी सबकी टिक्कियाँ बना के अभी वापस आती हूँ। जी तो मैं आ गई हूँ वापस और टिक्की हमारी हो गई बिल्कुल रेडी। अब मुझे करना है इसको फ्राई। पैन में मैंने डाल दिया है घी, घी में मैं हमेशा टिक्कियाँ फ्राई करती हूँ क्योंकि उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्राई करना। इसी तरह मैं सारी टिक्कियों को फ्राई करके अभी वापस आती हूँ।
ये देखिए फ्राई हो रही हैं हमारी टिक्कियाँ, हल्की आँच मैंने रखी हुई है ताकि अच्छे से दोनों साइडों से ये पक जाए। ये तो देखें आलू की टिक्कियाँ हो गया हमारी रेडी। अब मैंने करना है इसको डिश आउट और मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो देखें फाइनल लुक आपके सामने, आलू की टिक्कियाँ हो गई रेडी और मैंने हरे धनिए की चटनी और केचप के साथ इसको सर्व किया है। आप लोगों ने ट्राई करनी है मेरी रेसिपी और मुझे बताना है कि आलू की टिक्कियाँ आप लोग की कैसे बनी है। इसको अगर आप चाहें तो पराठे के साथ भी खा सकते हैं। और आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।